السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا صدق الله العظيم, بلغنا رسوله النبي الكريم सदाकलम अबलगाना रसूलबील करीम व नन्हन शाहिदीन व शाहरीन वहमीन आजीज़ा मिलत इस्लामिया आज मैं आप तमामी के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कि आज एक वली कामिल सभी है गौसे आजम एक वली कामिल के फ़र्ज़ंद मुफ़ी अज़म हिन्द रदी अल्लाह तू की शान और ज़ात गिरामी पर कुछ देर आपके सामने गुफ्तु करूँ जैसा कि अल्लाह तबारक व ताल मुक़दस में इरसाद फरमाता है कि लज़ीना आ मनू बेश वो जो ईमान लाए वामिलसवाहत और अच्छे आमल किए सैज आलुमर रमानदा के अन उनके लिए रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फ़रमा देगा तो इस आयत मुकद्दसा की अगर आमली तफसर किसी ज़ात को देखना है तो वो मुफ्ती अजम हिन्द रदी अल्लाह तुकी ग्रामी है क्या आप मादरजाद वली थे यानी पैदाइशी वली थे और ऐसे वली के अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अहले ईमान के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल दी थी क्या आपकी तरफ़ लोग खींचे चले आते थे और जो एक बार आपके चेहरे मुकद्दस को देख लेता वो आप पर फ्रेफ्ता हो जाता और आपको देखकर वो शख़्स सच्चा तायब हो जाता और आपसे मुरीद होने का ख़्वाहिश जाहिर करता तो मुफ्ती आज़म हिन्द रदी अल्लाह सिर्फ आलिम ही नहीं मुफ्ती ही नहीं बल्कि आप एक ऐसे वली थे जिनकी विलायत का चर्चा उनकी पैदाइश के वक्त ही हो गया था वो वाकया ये है कि आपके पीर मुरशद जो आपके पीर हैं जो वो आपकी पैदाइश के वक्त आपके वालद ग्रामी के साथ थे आपकी पैदाइश बरेली शरीफ़ में हुई है लेकिन आला हज़रत रदी अल्लाह तु और अबुल हसन नूरी मियाँ साहब आला हजरत के साथ थे तो आप फजर की नमाज़ के लिए आला हज़रत मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और ये आपके पीरो मुर्शिद नूरी मियाँ साहब भी जो है मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और आपने फरमाया कि फ़ाज़िल ब्रलबी इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह तु आपके घर में फर्जन पैदा हुआ है और वो बच्चा ऐसा है कि मैं उसे अपना मुरीद बनाता हूँ ज़रा देखें कि एक वली कामिल ने एक वली को पहचान लिया और बचपन में ही अपना मुरीद बना दिया और फिर फजर की नमाज अदा करने के बाद नूरी मिया रहमत ला अपना िरका जुब्बा ये सब चीज़ें आता कि आला हज़रत को कि आपके जो नौलूद फ़र्जंद हैं उसके लिए मेरी तरफ़ से ये सब तोहफ़ा है अल्लाह अकबर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तुकी की ग्रामी कैसी हमागीर शख्सियत है कि आपकी विलायत का एलान आपकी पैदाइश के वक्त हो रहा है और कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं बल्कि एक वली एक कामिल ने एक सैद ज़ादे ने ऐलान किया और कहा कि मैं जब वली आऊँगा तो इस बच्चे से ज़रूर मुलाकात करूँगा और जब छः महीने के बाद आए तो मुलाकात भी हुई ऐसी कि जब आपने उनको देखा छः माँ के अभी हज़रत मुफ्ती आजम हिंद हैं और जब आपने देखा और अपनी गोद में लिया तो आपने अपनी उंगली मुबारक उनके मुँह में दाखिल फ़रमाई और फरमाने के बाद फरमाया कि सुनो ये बच्चा कोई मामूली नहीं है ये वो है कि हजारों लाखों लोग इनके हाथ पर गुमराह कर तोबा करेंगे और सरात मुस्तकीम पे गामजन होंगे और हजारों मुर्दे दिलों को ये जिंदा करने वाले है। ये है मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तु की ज़ात ग्रामी तो आप सोचें कि मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है यानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती और ये उस वक्त का हिंदुस्तान था जब हिंदुस्तान तकसीम भी नहीं हुआ था आप इतने जहीन थे कि अपने ज़माने के बड़े बड़े मुफ्ती आपकी बारगाह में आकर शागिर्दी इख्तियार करने को नियाज़मंदी समझते थे और आपने अपना पहला फतवा जब 18 साल की उम्र में दिया तो उस फतवे का वो अंदाज था कि वक्त के मुजद आजम ने आपको इनाम इक़राम से नवाजा और आपकी हौसला अफजाई की कि यकीनन हर वालिद खुश होता है कि जो बेटा अपने वालिद के मनशे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो मुजदीद आजम के ये फ़र्जंद मुफ्ती आजम ने वो कारनामा अंजाम दिया जैसा कि आला हजरत चाहते थे आपने 18 साल की उम्र में पहला फतवा दिया और ऐसा मुदल फतवा कि कायनत के दुनिया के, के मुजद आजम इमाम अहमद रज़ा फ़ाजिल बिरअलवी रदी अल्लाह ने दाद दिया और आपकी शख्सियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि आप किसी उस्ताज के काबिल और इल्मदार होने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उसके शागिद कैसे हैं उनके शागिर्द कैसे हैं अगर किसी मकान या किसी कंपनी या किसी और अशिया की खूबसूरती का दारोमदार मदार उसके कारीगर पर होता है मसलन किसी ने मकान बनाया मकान बहुत ख़ूबसूरत है तो मकान ख़ुद ब खुद खूबसूरत नहीं बल्कि उसके कारीगर और मिस्त्री ने जिस अंदाज और ख़ूबसूरती से उसकी तामीर की है उसकी वजह से वो ख़ूबसूरत बना है तो खूबसूरत मकान का खूबसूरती का जरिया वो मिस्त्री और कारीगर बनता है तो ऐसे ही किसी की शागिर्द को देख लें फिर उस शागिर्द के इल्म को देखें फिर उससे अंदाज़ा लगाएं कि शागिर्द का यह आलम है तो उस्ताद का क्या आलम होगा तो हज़ूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तुके ऐसे ऐसे शागिर्द हैं जो अपने वक्त के ख़ुद मुफ्ती आजम जो मुहदस आजम जो बड़े फ़कीह आप ज़रा देखें आपके शागिर्दों में से चंद शागिर्द का नाम मैं पेश करता हूं कि कर, महतिज़ -आज़म, आज़म पाकिस्तान ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के शागिर्द हैं मौलाना एजाज वली रज़वी पाकिस्तान ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के शागिर्द हैं हज़रत मौलाना हसमत ख़ान रमत तल ये हजूर मुफ्ती अजम हिंद के शागिर्द शरीफुल हक मुफ्ती शरीफुल हक उरीफ़ाल्ह अमजी रमतल ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के शागिर्द और खलीफ़ा हैं मौलाना मोहम्मद तहसीन रज़ा ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जो है शागिर्द हैं रेहान मिलत ये हुजूर मुफ्ती मुफ्ती आज़म हिंद के शागिर्द हैं और एक और ऐसे शागिर्द कि दुनिया ने उन्हें ताज़ के नाम से याद किया ये भी हुज़ूर मुफ्ती आजम हिंद के शागिर्द हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिनके शागिर्द इतने मायनाज़ हो इतने बालायत हो इतने इल्म वाले हो, तो उनके उसतास कालम क्या होगा तो इन तमाम शागिर्दों के उस्ताद का नाम है मुफ्ती आज़म हिंद आप ऐसे इल्म के बहरे मजमैन थे कि आपके इल्म का कोई पाया नहीं आपका कोई हम असर नहीं यकीन आप इतने मंझे में मुफ्ती थे कि आपने जो फतवा एक बार दे दिया कभी अपने फतवे से रुजू नहीं फरमाया आप ऐसे मुतकी और परहेजगार आलिम गुजरे हैं कि आपकी तकवा तहारत को देख कर लोग अपने गुनाहों से ताइब हो जाया करते थे आप चौदह मुहर्रमराम चौदह सौ तेरह सौ दो चौदह से दो हिजरी को बरेली शरीफ में विशाल फरमाया ये आपके उर्स का दिन है आपके विशाल का दिन है यकीनन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ने शुमार किताबें लिखी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप आला हज़रत फ़ाजल ब्रिलवी रदी अल्लाह के छोटे फ़र्जंद हैं और आप इतने काबिल थे कि अपने ज़माने के बड़े बड़े मुफ्तियों ने आपसे सनद इफ्ता हासिल फरमाई और अभी ज़माना माजी करीब में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई किसी का खलीफा और मुरीद है तो सबसे ज़्यादा खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिन्न रदी अल्लाह के पाए जाते थे और आज भी मौजूद हैं उसकी वजह यह है कि चाहे वो आलिम हो हाफिज़ हो कारी हो या आम आवाम हो जो कोई देखता अपना दिल दे बैठता और आपसे मुरीद हो जाता था क्योंकि आपको देखने वालों ने कहा है कि ऐसा नूरानी चमकता हुआ चेहरा था कि अगर कोई देख लेता जी भर के तो फिर वो देखता ही रहता और किसी देखने वाले ने देख कर यही कहा कि आप हम शभी गौ से आज़म थे यानी आपके चेहरे में गौ आज़म रजी अल्लाह तहों की शबाहत थी तो मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात वो ज़ात है कि आपने अपने ज़ाहरी ज़िंदगी में करोड़ों गुमराहों को राह रास्त पर लाया और आपने सुनीत की अहल सुनत वजमात की वो खिदमत पेश की है यकीन आपको कयामत तक याद किया जाता रहेगा तो मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तुका ज़रूर से मुबारक है वो मुहर्रम हराम की चौदह तारीख को मनद किया जाता है हम अपने आका हम अपने मुरबी हम अपने रहनुमा हम अपने असलाफ के याद में महफ़िलें मनद करते रहते हैं तो उन दीन को हम कभी नहीं भूल सकते जिनके सदक़े में और जिनके कारनामे की वजह से जिनके खिदमात की वजह से हमारे अकायद हक़ा की असलाह होती है हमारे अकायद हक़ा की मुहाफ़त होती है तो ये मुफ्ती अज़म हिंद रदी अल्लाह त वो ज़ात है कि आप अकेले ही खुद जहाँ मुफ्ती अज़म हिंद हैं वहीं आप मुहदस भी थे आप मुहदस भी थे मुफसर भी थे आपकी ज़बान वो ज़बान आपके अखलाकान करीमाना वो अखलाक कि आपके अखलाक से मुतासिर होकर लोग आपसे आपके दामन से वाबस्ता हो जाया करते थे कि आप ऐसी ज़ात थी कि आप जहाँ बैठते वहीं अंजुमन बन जाता था आप तन्हाई में हो या जलबत में हो या खलबत में हो पूरी महफिल नूरानियत से भरी होती थी क्योंकि आप एक वली ये कामिल थे और पैदाइशी वली थे और लोगों ने आपकी विलायत का ऐलान किया है लोगों ने करार किया है कि अगर इस ज़माने में किसी वली को देखना है तो मुफ्ती आज़म हिंद को देखें कि आप जीते जागते वली थे और कितने लोग आपकी सोहबत में बैठ कर अपने आप को पाक साफ करके वली बना लेते हैं तो आपका मकाम क्या मरतबा क्या यकीनन आपकी जात बड़ी आला ज़ात है आपकी ज़ात आला ऐसी कि आप जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उस ख़ानदान का नाम आपने इस अंदाज़ से रोशन किया जैसा कि आपका हक था आपके वालद के रामी आला हज़रत फाजिल बिनबी रदी अल्लाह तु आप सोचें कि एक मुजदीद आजम का बेटे को कैसा होना चाहिए वो कमा हक हो आपने वो हक अदा कर दिया आपकी ज़ात ऐसी ज़ात थी रब की बारगाह में दुआ है मौला हम सब को अपने बुजुर्गों से महब्बत करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तोफ़ीक अदा फरमाए वाहर उदाह रबीआलमी